दिखा सर दिखा दे। हो गया हाँ ठीक चालू है। मेरा नाम श्री लुईस दास है, मैं हरिद्वार से साइकिल लेके आया हूँ। मेरा साइकिल लेना उद्देश्य है, जो स्वच्छ भारत का सपना है, इस सपने को साकार करने के लिए एक मेरा प्रयास है और इस प्रयास को आप लोगों की सहायता की बहुत जरूरी है, ताकि जो भी स्वच्छ भारत का सपना है, ये सपने बहुत जल्द साकार हो सके। मैं एक नारा दिया हूँ घर घर डस्टबिन का। इस नारा का मकसद है कि जो लोग कूड़ादान को लेकर लापरवाही है, इस लापरवाही को जड़ से खत्म करने का मैंने एक बीड़ा उठाया है। ये जो संदेश है, ये संदेश में हर गली कस्बा मोहल्ले स्कूल कॉलेज मैं दे आ रहा हूं, ताकि स्वच्छ भारत का सपना बहुत जल्द पूरा हो सके। सभी स्कूल के बच्चे जितने भी हैं, इस बात को समझे कि जो हमारे सामने जो भाई जी है, इतने दूर से साइकिल लेके आया है भाई, तो इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि साइकिल लेके ऐसे घूमना इसका इतना बड़ा प्रयत्न क्यों है। आप लोग खुद सोचिए, जब एक दो किलोमीटर साइकिल लेने के बाद होती है तो भी सौ सौ बार सोचा जाता है भाई साइकिल लेके जाना है मुझे वहां तक, मानो एक बहुत बड़ा परेशानी आ गई सामने, गाड़ी हो बाइक हो कट के चला जाएगा। लेकिन जब साइकिल की बात आती है तो लोग सोचने लगते हैं भाई साइकिल से हम बाजार जाना है, शहर जाना है, तो इतना मेहनत कौन करेगा। लेकिन इस साइकिल लेके मैं आज कम से कम 2000 किलोमीटर साइकिल का सफर करके आया। तो इस सफर का उद्देश्य क्या है, जो भी मेरे देश के नौजवान है, देश की जो युवा पीढ़ी है, इस पीढ़ी को इसका मतलब समझे भाई। सफाई का मतलब है सर्वोपरि है, सफाई हमको रखना है। हम कूड़ादान को इस्तेमाल करेंगे, बिना कूड़ादान से हम कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकेंगे। जितने भी गांव है गली है आपका घर है, घर में जाइए बोलिए कि मामी पापा हमको कूड़ादान चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि कूड़ादान हमको बाजार में खरीद के लाना है, कोई भी पात्र आपको कूड़ादान बना सकता है जिसमें कूड़ा फेंका जा सके। आपके हर घर में एक एक कूड़ादान होना चाहिए घर के सामने, ताकि जो भी हम लोगों का कूड़ा कचरा होता है हम लोग वही फेंकेंगे, और जो भी कूड़ादान में फेंकेगा नहीं तो आप लोग बोलिए भाई इस कूड़ादान को हमने रखा है ताकि हमारा घर का बाहर का हिस्सा साफ हो सके। अगर आपने हमारा घर को गंदा करने के लिए आया, आपने हमारे गली को गंदा करने के लिए आया, तो कौन है हमारा गंदा करने वाला? हमारा घर गांव आपको गंदा करने का कोई अधिकार नहीं है, तो आप नहीं तो पूरा दान इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो हमारे गांव से आप निकल पड़िए। तो इसमें क्या भलाई है? इसमें गांव का भलाई है, इसमें परिवार का भलाई है, इसमें अपने का भलाई है। गियर वाला साइकिल, जैसे स्वच्छ भारत का नारा चला गया हर घर में शौचालय साइकिल, भारत सरकार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया शौचालय देके, ताकि जो भी मूर्ति बाहर में हो सके। बाहर में जो मूर्ति होता है उसमें मक्खी आती है, हमारे खाने का थाली में आता है, आता है कि नहीं आता है? दूसरे का माल नहीं पड़ने वाला थाली में पड़ रहा है, तो इससे बड़ा दूसरे का क्या हो सकता है?
किसी का पड़ा हुआ मास्का माखी मेरे खाने के थाली में पड़ा है, पता ही नहीं चल रहा है कि माखी दरअसल कहाँ पड़ के आया था, इसीलिए पा रहा है। अगर उसी समय उस माखी को आपने अगर देखा होता तू ही मरता कि थाली में पड़ रहा है, जर से एक चम्मच से आप उस खाने को नहीं खाएंगे। क्यों आपने देखा है ये तो पिंका गंदा कचरा से आया है मेरे थाली में गिर गया, कौन खाएगा अभी। लेकिन दरअसल हम ऐसे देखते नहीं है इसलिए हम लोग खा लेते हैं। तो सरकार इसलिए इसको समझा भाई, ये जो बीमारी का इतना बड़ा कारण है ये मौत किया गया, इसलिए घर घर में शौचालय का व्यवस्था किया। और घर में अगर शौचालय है सबको इस्तेमाल करना चाहिए, गांव शहर जितने भी है घर का हर घर का बोलिए अपने माता को जो व्यवस्था कीजिए। हम किसी को गंदा करने नहीं देंगे, हम भी आदत डालेंगे कूड़ेदान को इस्तेमाल करेंगे। और स्वच्छ भारत का जो सपना है इस सपने में पूरा करेंगे। बीमारी का हम जल्द से बहुत जल्दी यहाँ से हम बहुत दूर भगा देंगे। यही मेरा आदेश से आप लोगों को बोल रहा हूँ ताकि आप लोग भी इसको अनुकरण कीजिए, इसको पालन कीजिए ताकि आप लोगों का भी भविष्य बहुत हो। जय हिंद, जय भारत।